ना मावा, ना खोया, ना मिल्क पाउडर, ना दूध, सिर्फ एक चम्मच घी के साथ में बनाएंगे आज कुछ खास ट्रिक्स से ये खोपरा पाक। और इस खोपरा पाक को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और आज इस खोपरा पाक को हम सिर्फ तीन चीज़ों से बना के तैयार करेंगे, वो भी कुछ ट्रिक के साथ में। तो चलिए मिलके बनाते हैं आज ये खोपरा पाक। खोपरा पाक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर खोपरा। तो हमने यहाँ पर एक सूखा वाला नारियल लिया है, ये वजन में 200 ग्राम है। और इस खोपरा पाक के खास ट्रिक ये है कि इसके हमें छिलके भी नहीं हटाने हैं और ना ही इन्हें ग्रेट करना है। बिना ग्रेट किए हुए इस खोपरा पाक को हम बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर खोपरे को हम छोटे छोटे स्लाइस में काट लेंगे, देखिए इस तरीके से। ये खोपरा पाक खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इस जन्माष्टमी में आप भी जरूर एक खोपरा पाक बनाइए और कृष्ण जी को भोग लगाइए। ये लीजिए, पूरे नारियल को मैंने इस तरीके से लंबा लंबा काट लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें डाला है हमने ये जो हमने स्लाइस में खोपरा काट के रखा था। और उसी के साथ में हम डालेंगे एक कटोरी मखाना, ये वजन में 50 ग्राम है। और ये सीक्रेट चीज़ है जो हमारे पाक को देगी एक जोरदार ट्विस्ट और इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। इससे हमारे पाक का टेस्ट है जो 4 गुना बढ़ जाएगा। अब इन्हें हमें लो फ्लेम पे 7-8 मिनट रोस्ट करना है, जिसमें इनकी नमी भी निकल जाएगी और इनका टेस्ट भी 4 गुना बढ़ जाएगा। इनको रोस्ट होते हुए 8 मिनट हो गए। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में, जिससे थोड़े से ठंडे हो जाएंगे। देखिए मैंने निकाल लिए है। और मैंने यहाँ पर 3-4 बादाम और 3-4 काजू लिए थे, जिन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए। अब इन्हें भी हम रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप पसंद नहीं करते हो तो इन्हें स्किप भी कर सकते हो। इन्हें भी हम हल्का सा रोस्ट कर, इनको रोस्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 2 मिनट में रोस्ट हो जाएंगे। देखिए रोस्ट हो गए। अब इन्हें भी एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ इसी सेम कढ़ाई में हम डालेंगे वो सीक्रेट चीज़, जिससे हमारे पाक का टेस्ट है जो 4 गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 चम्मच खसखस, इन्हें भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। कसकस जो है हमारे माइग्रेन के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, इनमें माइग्रेन में बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है, तो आप इसे जरूर डालेगा। देखिए रोस्ट हो गए, अब इन्हें भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए सारी चीज़ें हमने अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिए और अब हमारे खोपरे और मखाने भी ठंडे हो गए। अब यहाँ पर हम लेंगे एक मिक्सर का जार और मखाने और खोपरे को हम इसमें डाल देंगे। और इन्हें हमें दरदरा सा एक पाउडर बना के तैयार करना है, तो ढक्कन लगा के हम इसका दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। देखिए मैंने इसे कोर्सली पीस लिया है, आप देख सकते हैं इतना हमें पीसना है। आप चाहे तो थोड़ा सा दरदरा भी रख सकते हैं। अब चलते हैं इनकी चाशनी बनाने के प्रोसेस में। तो सेम कढ़ाई हमने गैस पर चढ़ा दी है। अब इसमें डालेंगे 1 कप चीनी, ये वजन में 250 ग्राम है। और इसी के साथ में हम डालेंगे 1/2 कप पानी और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब चाशनी को हमें 3-4 मिनट पकाना है। और चाशनी बनाते टाइम पे आपको खास बात का ध्यान रखना है कि हमें पाक के लिए सिर्फ 1 तार की चाशनी बनानी है, ना कि 2 तार। अगर आप 2 तार की चाशनी बनाओगे तो आपके पाक है जो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएंगे। देखिए मैं उंगलियों में लेके दिखा रही हूँ, तो ये 1 तार दे रही है, बस इतना ही हमें इसे पकाना है। अब इसमें डाल देंगे हमने जो मखाने और खोपरे का पाउडर बना के रखा था, और इसी के साथ में कसकस और ये ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच किशमिश लिए है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप पसंद नहीं करते हो तो इन्हें स्किप भी कर सकते हो। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट इसे अच्छे से पका लेंगे। ज़्यादा देर इसे नहीं पकाएंगे, नहीं तो फिर ये ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। देखिए 2 मिनट हो गए इसको पकते हुए और ये जमने की फॉर्म में आ गया है। अब इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच घी, सिर्फ 1 चम्मच ही घी डालना है हमें, ज़्यादा नहीं डालेंगे, जिससे ये थोड़े से सॉफ्ट भी बने रहेंगे और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। और घी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। देखिए हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब इसको जमाने के लिए हमने यहाँ पर एक थाली ली है और इसे घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और जो हमारे पाक का मिश्रण है वो सारा इसमें डाल के हम अच्छे से इसे फैला लेंगे। अगर आपके पास कोई मोल्ड या फिर मिठाई वाली ट्रे हो तो आप उसमें भी इस पाक को सेट कर सकते हो। देखिए मैं थाली में इसे एक जैसा फैला लूंगी और मैं इसे आधी थाली में फैला रही हूँ, क्योंकि मैं इसे थोड़ा मोटा रखना चाहती हूँ। देखिए मैंने इसे एक जैसा कर लिया है। अब इसे 1 घंटे के लिए प्लेटफॉर्म पर छोड़ देंगे, जिससे अच्छे से सेट हो जाएगा। देखिए इसे 1 घंटा हो गया है, वो अच्छे तरीके से सेट हो गया है। अब इसमें कट के निशान लगा लेते हैं,
देखिए इस तरीके से पीसेस थोड़े से छोटे या बड़े आपकी पसंद से काट सकते हो या जिस तरीके से आप पीसेस काटना चाहते हो। मैंने पाक के पीसेस छोटे छोटे स्क्वायर पीस में कट किए, आप चाहे तो इन्हें ट्रायंगल में भी कट कर सकते हो, जैसे आपको पसंद हो आप उस तरीके से काट लीजिए। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट हमारे पाक बन के तैयार हुए और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप भी इस जन्माष्टमी जरूर ये खोपरा पाक बनाइए और आपके पूरे परिवार को खिलाइए, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल राधिका किराड़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और कैसी लगी फ्रेंड्स आप सभी को हमारी ये आज की रेसिपी, अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।